दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विद वी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो डिस्क्लेमर आ रहा है स्क्रीन पर उसको पढ़ के ही आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। इसके साथ एक और गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। अगर आप लोग भी कोई चीज़ जानते हो जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है या नहीं हो पाया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के उससे मुझे अवगत जरूर कराइएगा, जिससे मुझे भी लाभ होगा और साथ साथ जो दर्शकगण हैं उनको भी लाभ होगा। तो यह ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, ज्ञान देने से बढ़ता है, एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि आज मैं एक केबल कंपनी पे अपना एनालिसिस लेके आया हूं। उसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप इसके बारे में करें डिटेल में बात करें तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का पावर केबल बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है, SNT सिग्नल और टेलीकॉम का केबल भी बनाती है, रेलवे का केबल बनाती है, स्पेशलाइज केबल भी बनाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल बनाती है, डाटा केबल बनाती है, फायर सर्वाइवल केबल बनाती है। इस तरीके से इसका बहुत ही ब्रॉड रेंज है और कंपनी जो है इंडिया के मार्केट के अलावे एक्सपोर्ट भी करती है। ये मैं आपको बता दूं, कंपनी का रिकमेंडेशन मैं जब यूट्यूब पर आया था, 1.5 महीने के आसपास मेरा यूट्यूब पर हुआ है, तो जो मेरे शुरुआती वीडियो हैं जो 12/4 और 13/4 के आसपास में मैंने एक 10-10 शेयर का पोर्टफोलियो रिलीज किया था, उस वर्चुअल पोर्टफोलियो उसमें मैंने पैरामाउंट कम्युनिकेशन का रिकमेंडेशन किया था 6 रुपये के आसपास में। तो 6 रुपये से देखें तो आज इसका क्लोजिंग प्राइस 8 रुपये के आसपास है, तो उस हिसाब से लगभग 30% वहाँ से रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी मेरा टारगेट प्राइस नहीं आया है और वो निश्चित रूप से आएगा, उसी के हिसाब से मैं आपको इस पर जानकारी देने आया हूँ। दोस्तों, अगर इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो इसका क्लाइंट बेस भी ब्रॉडर है और गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रेलवे हैं, NTPC हो गया, भेल हो गया, डिफेंस के भी, DRDO वगैरह के भी कुछ केबल इसमें बनते हैं। और साथ साथ कंपनी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग जानते होंगे, EPC कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो EPC में भी काम कर रही है, जो इसके 2019 का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें इसने मेंशन किया है और व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम था। तो EPC का बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसमें अच्छा होता है और इससे कंपनी का ग्रोथ अच्छा होने की पूरी पूरी संभावना है आगे, और इसे इसके डिटेल में मैं बताऊंगा। इससे पहले कि आगे बताऊं, मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अगर मेरे दी गई जानकारी से आपको लाभ हो रहा हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। दोस्तों, बात करते हैं 6.95 रुपया जो कल का क्लोजिंग प्राइस था, शुक्रवार का क्लोजिंग प्राइस था, उस प्राइस पे फिनेंशियल पैरामीटर क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ। आज ऑलरेडी इसका क्लोजिंग प्राइस 8 रुपये के आसपास है, एक्यूरेट जो रेट है वो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका मार्केट कैप जो इस रेट पे है 127 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू 8.44 रुपये के आसपास है, फेस वैल्यू 2 रुपया के आसपास है और PE मात्र 4.17 के आसपास है। दोस्तों, अगर 52 वीक हाई लो की बात करूं तो 13.10 रुपया इसका हाई है और 4.95 रुपया इसका लो है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, सेल्स ग्रोथ जो इसका है ज़बरदस्त है, 25.92% इसका सेल्स ग्रोथ है। दोस्तों, अगर ROCE और ROE की बात करूं तो ROCE 13.11% के आसपास है और ROE 37.87% के आसपास है। दोस्तों, फिनेंशियल 18-19 के रेवेन्यू की बात करूं तो 614 करोड़ रुपया इसका रेवेन्यू हुआ था, जिसमें 29 करोड़ रुपया का इसने प्रॉफिट दिखाया था और 1.74 रुपया EPS का EPS जनरेट किया था। दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो 165 करोड़ रुपया सेल्स के अगेंस्ट में 7.45 करोड़ प्रॉफिट दिखाया था और 0.43 का इसने EPS जनरेट किया था। दोस्तों,
अब चलते हैं प्रमोटर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 59.99% है, जिसमें पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने 3.28% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। दोस्तों प्रमोटर इसका जो है लगातार लोअर प्राइस पे खास के 6 रुपए के आसपास में मार्केट से शेयर खरीद रहा था। इसी को देख के हमने इसको रिकमेंड भी किया था और कंपनी को मैं जानता ही हूँ, कंपनी में ग्रोथ की पूरी पूरी संभावना है, कंपनी के पास एसेट है और कंपनी के पास इफिशियंट वर्कर है, कंपनी के पास ऐसी क्षमता है कि इस कंपनी को वह बहुत ही बड़ा ग्रोथ दे सकती है। दोस्तों अगर FII की होल्डिंग की बात करूं तो 1.59% इसके इसमें FII की होल्डिंग है, बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है 38% के आसपास है। दोस्तों 19 जनवरी 2020 की बात करूं तो 2.24 करोड़ इक्विटी वारंट प्रमोटर को इशू किया गया है 9.81 रुपया के रेट से। ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी न्यूज जो हैं, यह कंपनी में ग्रोथ के प्रति आश्वस्त करता है और खास के प्रमोटर की खरीदारी जो है वह एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल होता है कि कंपनी पे जो प्रमोटर का है भरोसा है और इससे प्रमोटर जो है कंपनी को आगे ले जाने में सक्षम है। दोस्तों एक और बात चीज बताऊं कि जिसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 59.99%, उसमें से 21.5% शेयर इसका गिरवी भी रखा हुआ है, प्लेज किया हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, अगर कोरोना क्राइसिस का असर इस पे कम होता है और इकोनॉमी में थोड़ा सुधार होता है तो यह बहुत ही आसानी से जो मेरा टारगेट प्राइस है 12-13 रुपया वो बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाने की संभावना है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, इसको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इस्तेमाल ना करें। दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।